ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब। बुलंदशहर में प्रशासन की नाकामी एक बार फिर से सामने आई है। सरकार के सख्त आदेशों के बाद भी प्रशासन गौकसी रोकने में नाकाम साबित हुआ है। दो दिन पूर्व जनपद के चिंगारावटी में गौकसी को लेकर हिंसा फैल गई थी, जिसमें एक एसओ सहित दो लोगों की जान चली गई थी। चिंगारावटी की चिंगारी जहांगीराबाद पहुंचते पहुंचते रह गई। इसी प्रकार गौकसी की एक घटना बुलंदशहर के जहांगीराबाद में सामने आई है। जहांगीराबाद स्थित बुद्ध की पैठ के समीप गौ तस्करों ने एक गाय को काटकर उसके अवशेष गड्ढे में फेंक दिए, जिसकी खबर हिंदू संगठनों को अगली सुबह लगी। गौकसी की सूचना पर हिंदू संगठनों ने सूझबूझ से काम लेते हुए पुलिस को सूचना दी। गौकसी की सूचना पर पुलिस के कान खड़े हो गए और अनफन में पुलिस मौके पर पहुंची। गड्ढे में पड़े गौ अवशेषों को पुलिस ने जेसीबी मंगवा कर दबा दिया। जनपद में फिर हुई गौकसी की सूचना की खबर आग की तरफ फैल गई, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ गई। गौकसी की घटना से कहीं फिजा खराब न हो जाए, इसलिए तमाम प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचे एसडीएम अनूप शहर, एसडीएम श्याना, सीओ अनूप शहर व एसडीएम सदर ने जाकर हिंदू संगठनों को तत्काल कार्यवाही का आश्वासन दिया। पुलिस ने बताया कि बीती रात दो गौ तस्करों को घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो गौवंश भी मुक्त कराया गया। यहाँ प्रातः में गश्त करते में यहाँ से दो व्यक्ति पकड़े भी गए हैं, और ये जो घटना हुई है यहाँ भी क्षेत्र में भी एक इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी ये जो काम किया गया है ये सिर्फ एक हवा माहौल क्षेत्र की फिजा खराब करने के लिए किया गया है, और यहाँ से दो व्यक्तियों की अरेस्टिंग भी हो गई है। पुलिस का काफ़ी अच्छा रोल भी रहा है, और उसमें जो उनके साथी थे वो लोग भाग भी गए। पुलिस पकड़े गए गौ तस्करों से भी पूछताछ करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि दोनों गौ तस्कर झांसी व सहारनपुर के निवासी हैं। फिलहाल प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए आनन फानन में कार्यवाही में लगा हुआ है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज़ के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट। ये है टाइम्स 18 न्यूज़ खबर आपके मतलब।